नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 नवंबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के घरेलू अघरेलू छोटे व मध्यम उद्योग और कृषि सहित अन्य खुदरा उपभोक्ताओं का बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने जयपुर, अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम की टैरिफ याचिका पर फैसला दिया है। तीनों डिस्कॉम ने स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने कोरोना के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं को राहत देते हुए टैरिफ बढ़ाने से इनकार कर दिया। हालांकि बड़े उद्योगों को सुबह 6 से 10 बजे तक इस्तेमाल होने वाली बिजली पर 5% सरचार्ज देना है। रात 12 से सुबह 6 बजे तक नॉन पिक ओवर में इस्तेमाल हुई बिजली पर 15% छूट मिलेगी। सार्वजनिक पूजा स्थलों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के परिसर में बनी हुई धर्मशालाओं की बिजली सस्ती कर दी है। अब इन्हें घरेलू श्रेणी की टैरिफ से ही बिजली बिल दिया जाएगा। पहले कहीं अघरेलू तो कहीं मिक्स श्रेणी में बिल देना पड़ता था। अजमेर के एक युवक की गोरखपुर में 1.5 लाख रुपए लेकर शादी कराने व वहां रेलवे स्टेशन से दुल्हन के भाग जाने का मामला सामने आया है। अजमेर निवासी पीड़ित राम सिंधी ने शिकायत दी है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने चावला मैरिज ब्यूरो संचालक लोहा खान प्रताप नगर अजमेर निवासी कन्हैया वे ओम प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि परिवादी राम सिंधी ने रिपोर्ट देकर बताया कि खुद और भाई भगवान दास की शादी के लिए चावला मैरिज ब्यूरो आशागंज से 25 सितंबर को संपर्क किया। वहां काम करने वाले कन्हैया ने दो लड़कियां उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बताई। शादी करवाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद वह भाई के साथ लड़की देखने गया। लड़कियों के भाई अनिल से बातचीत करने के बाद ओम प्रकाश व कन्हैया ने 1.5 लाख रुपए लिए। जब शादी करके वह वापस आ रहा था तो दुल्हन फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली जिले में एक सौतेले पिता ने अपनी 9.5 साल की मासूम बेटी से रेप किया। मामले की सुनवाई करते हुए पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 35,100 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि सांडेराव थाने की एक महिला ने 8 दिसंबर 2020 को सांडेराव थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि उसके पति ने उसकी पहले पति के हुई बेटी के साथ रेप किया है। रिपोर्ट में बताया कि पिता ने उसे चाकू दिखाकर डराया, बोले कि किसी को भी बताया तो तुझे व तेरी माँ को जान से मार दूंगा। जयपुर रोड पर गीगल थाना इलाके में राधा रानी रेस्टोरेंट में हथियारबंद युवकों ने लूटपाट की। लुटेरों ने रिवॉल्वर दिखाकर रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर दिया और उनसे नकदी, मोबाइल फोन व रेस्टोरेंट से खाने पीने का सामान छीनकर कार में सवार होकर जयपुर की तरफ भाग गए। सूचना के बाद कुछ लोगों ने आरोपियों की कार का पीछा किया। आरोपियों की कार का टायर फट गया और काफी दूर तक कार बिना टायर के रिंग के सहारे दौड़ते रहे, लेकिन बाद में दूदू के निकट आरोपी कार छोड़कर खेतों में भाग गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी चूरू हनुमानगढ़ के प्रतीत हो रहे हैं। कार के नंबरों के अनुसार कार चूरू इलाके में बेची गई थी। आरोपियों की कार में फरसे, सरिये, चैन और अन्य हथियार मिले हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर ने इलाज में लापरवाही के चलते महिला की मौत मामले में अलवर के विजय हॉस्पिटल वे डॉक्टर विजयपाल सिंह पर 40,42,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं परिवादी खर्च के तौर पर 25,000 रुपए अलग से देने के लिए कहा है। आयोग ने कहा कि हर्जाना राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख से 9% ब्याज भी दिया जाए। मामले के अनुसार परिवादी की पत्नी कुसुम के पेट में दर्द होने पर 7 सितंबर 2015 को उसे डॉक्टर विजयपाल को दिखाया। डॉक्टर ने पेट में पथरी बताते हुए ऑपरेशन की बात कही, लेकिन सर्जन डॉक्टर ने मरीज को भूखे पेट रहना सुनिश्चित किए बिना ही स्वयं एनेस्थीसिया दे दिया, जबकि वह एनेस्थीसिया विशेषज्ञ ही नहीं था। इस दौरान खाद्य पदार्थ फेफड़ों में चला गया और केस जटिल हो गया। अस्पताल में आईसीयू की सुविधा में नहीं थी और उचित इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई थी। टोंक जिले की निवाई पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान युवक और युवती को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 18 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद कर बाइक जब्त की है। जब्त स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि जयपुर कोटा फेरलन हाईवे स्थित महावीर ढाबा के पास नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान जयपुर की ओर से एक बाइक आती दिखाई दी। पुलिस की नाकाबंदी देख आरोपी ने बाइक वापस जयपुर की ओर घुमा दी। पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान जनता कॉलोनी टोंक रोड निवासी फिरोज खान और बस स्टैंड सनराइज कतले के पीछे निवासी नौरती के रूप में हुई है। जोधपुर जिले के बाप क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। एक ही परिवार के सदस्य रामदेवरा दर्शन कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान टायर फटने से बोलेरो पलट गई।
पुलिस के अनुसार बीकानेर जिले के नापासर के कुछ लोग एक बोलेरो में सवार होकर लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करने रामदेवरा गए थे। वापसी के दौरान बाप थाना क्षेत्र के गादना गांव के समीप बोलेरो का टायर फट गया। तेज रफ्तार से कारम ड्राइवर बोलेरो को नियंत्रित नहीं रख पाया और गाड़ी पलट गई। हादसे में रामकिशन नामक युवक की मौत हो गई। उदयपुर जिले के गिंगला थाना क्षेत्र में एक स्कूली छात्र की अचानक मौत होने से सनसनी फैल गई। छात्र शाम को अपने स्कूल की छुट्टी के बाद बहन के साथ पैदल घर लौट रहा था। अचानक रास्ते में तबीयत बिगड़ी, फिर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 15 वर्षीय छात्र का नाम जगदीश था और वह 9वीं क्लास में पढ़ता था। छात्र की मौत को लेकर पुलिस ने बताया कि कंडूनी ग्राम पंचायत के सिंघावली निवासी जगदीश स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी बड़ी बहन देवी कुमारी के साथ पैदल घर लौट रहा था, तभी रास्ते में अचानक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर जिले के रामसर थाना अंतर्गत सोडाई गांव में विवाहिता का शव टांके में मिला। पुलिस के अनुसार सोडाई गांव निवासी पूजा अपने 3 बच्चों के साथ घर पर थी। वह पानी भरने के लिए टांके पर गई थी। कुछ देर बाद जब पूजा का ससुर घर पहुंचा तो घर पर बच्चे खेल रहे थे और वह दिख नहीं रही थी। आस पड़ोस में देखा तो लेकिन विवाहिता नहीं मिली। परिवारजन और पड़ोसी ढूंढते हुए टांके की तरफ गए थे। पानी के बर्तन आधे भरे पड़े थे। टांके में पानी ज्यादा होने के कारण महिला नहीं दिखी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि पूजा का शव टांके में मिला। पूजा की शादी सोडाई निवासी शैतान के साथ करीब 8 साल पहले हुई थी। विवाहिता के 3 बच्चे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान मुकेश के रूप में हुई है। उसने कमरे में पंखे के हुक से फंदा लगा लिया। आत्महत्या के कारणों का अब भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.